Assalam guys, welcome to another video. And ye hai Honda Fit Hybrid 2013 model. Aur guys, aaj hum iski thodi build quality ke bare mein baat karenge ki gaadi andar se jo gaadi ki build quality hai wo kaisi hai. Build quality gaadi ke andar se kafi achhi hai aur wo aap dekh sakte hain abhi isko. Dekhen. Build quality is pretty good. और यहाँ पे ये देखें स्टिचिंग सी हुई हुई है, लेदर सा लगा हुआ है यहाँ पे, ये इधर भी लगा हुआ है लेदर, इधर भी लगा हुआ है स्टिचिंग, जहाँ पे भी यहाँ पे लेदर लगा हुआ है इसका. और इसकी जो प्लास्टिक है, इसका जो प्लास्टिक है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. देखें, आई नॉक ऑन इट, आवाज़ सुनिए आप इसकी, वेरी नाइस. ये ट्रिम्स दिए हैं इसके ऊपर, नॉट क्रोम बट क्रोमिश टाइप. और इसका जो ये जो साइड पे जो एक कवर लगा हुआ है जो जिसके अंदर LCD इज हाउस्ड, तो दिस प्रीटी गुड आल्सो. ये देखें प्लास्टिक इज प्रीटी सॉलिड, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे इस पर स्क्रैचेस लग सकते हैं, या अगर आप उस पर देखें उंगली ऐसे लगाएं तो आपको निशान आ जाएगा, मेरा फिंगरप्रिंट आ गया इसके ऊपर, दैट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज शाइनी. बट ओवरऑल आई लाइक दिस, द क्वालिटी ऑफ द स्टेयरिंग, स्टेयरिंग इज प्रीटी सॉलिड. एंड आई लाइक दिस थिंग डाउन हेयर, मैश सेल लगाया है इसके ऊपर. कार इज प्रीटी नाइस और क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक इज प्रीटी गुड. और ये साइड पे भी इन्होंने ट्रिम से दिए हैं, नाइस क्वालिटी. मतलब आई एम नॉकिंग ऑन इट सो आपको आवाज आ जाए इसकी. इसका ये साइड पे अंदर, इधर भी प्लास्टिक अच्छा है क्वालिटी का, इट लुक्स गुड फ्रॉम द इनसाइड. प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पे भी इसकी अच्छी है, ये शाइनी है, यू हैव टू कीप इट क्लीन, गुड क्वालिटी प्लास्टिक. और टोयोटा एक्वा इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस कार. टोयोटा एक्वा का जो जी है उसमें मोस्टली ये लेदराइट टाइप आता है, एस में और एल में नहीं आता. और उसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि उसकी प्लास्टिक क्वालिटी इससे ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसकी ज़्यादा अच्छी है. खैर, आई नॉक ऑन दैट एज वेल, और उस पर भी आपको दिखा दूंगा मैं कि उसकी प्लास्टिक क्वालिटी कैसी है. बट दिस वन इज़ प्रीटी गुड, वेरी सॉलिड. और गाइज, ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो. और गाइज, वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़. असलम गाइज, अब टोयोटा एक्वा की बारी है, इसका प्लास्टिक चेक करते हैं ज़रा. टच करने में इसका प्लास्टिक जो है काफी लाइट है, ये हार्ड है काफी. टोयोटा एक्वा का जो एस वर्जन है, जो एस पैकेज है, इसका जो प्लास्टिक है वो काफी लाइट है. अगर आप इसको होंडा फिट के प्लास्टिक से कंपेयर करें तो ये उससे अच्छी क्वालिटी नहीं, बेहतर क्वालिटी नहीं है इसका प्लास्टिक. ये देखें, मैं नॉक कर रहा हूँ आपको, मुझे इसका प्लास्टिक फिट से बेहतर नहीं लग रहा, इवन टच करने में उसको दबाएं तो ये दबता है. लेकिन इसका प्लास्टिक का एडवांटेज ये है कि इस पर निशान नहीं पड़ता है. अगर मैं इस पर उंगली लगाता हूँ, ग्लॉसी सरफेस नहीं है इसका प्लास्टिक का. जो उसका जी वर्जन आता है, जी पैकेज, उसमें इस पर लेदर लगा हुआ होता है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है. वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में दिखा दूंगा, किसी गाड़ी लेके. इसका स्टेयरिंग इज़ प्रीटी गुड, आई लाइक द स्टेयरिंग मुझे इससे बेहतर लगता है फिट से, बिकॉज इसकी फील ज़्यादा अच्छी है. ये थोड़ा सा ग्लॉसी है, ये जो पैनल लगा हुआ है ग्रे, ये थोड़ा सा ग्लॉसी है. और इसकी पोजीशन बड़ी अच्छी है और फील भी बहुत अच्छी है स्टीयरिंग की. और जो रेस्ट ऑफ द कार, इसका जो प्लास्टिक है इट्स नॉट सो गुड कंपेयरिंग टू फिट. प्लास्टिक इज अ बिट चीपर देन फिट्स. आई थिंक यहाँ पे इन्होंने पैसे बचाए हुए इस गाड़ी में, लेकिन आई थिंक यहाँ पे इन्होंने
गाड़ी भी थोड़े से पैसे बचाए मैं इधर ही इसके इंटीरियर प्लास्टिक पे, क्योंकि प्लास्टिक जो है इसकी आवाज़ जो है इट्स नॉट सो सॉलिड, इट साउंड्स हॉलो। फिट का जो प्लास्टिक है इट डजंट साउंड दैट हॉलो, लेकिन उस पर ग्लॉसी सरफेस है जिसकी वजह से उस पर आराम से निशान लगाते हैं और स्केचेस लगाते हैं। और गाइस ये था इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन, प्लास्टिक का या इंटीरियर का। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ हैप्पी न्यू ईयर।